गांव में रहने वाला महेश्वर नाम का एक लड़का इस बात से परेशान था कि वह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। अभी उसकी उम्र मात्र 30 साल ही थी, लेकिन वह इतनी सी उम्र में ही बूढ़े दिखने लगा था। उसके सिर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वह सफेद बढ़ गए थे। उसकी त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगी थीं और आंखों के नीचे काले धब्बे गए थे। अपनी ऐसी हालत को देखकर बहुत चिंतित और परेशान रहता था। उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा सा हो गया था। महेश्वर के माता पिता और घर वाले भी उसके इस हालत को लेकर काफी चिंतित रहते थे। उसके पिता ने इस समस्या का समाधान खोजने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बहुत से अनुभवी लोगों से बात की, बहुत से घरेलू नुस्खे अपनाए, कई ओशो विधियों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी बदलाव नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से महेश्वर की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन किसी ने महेश्वर के पिता को बताया कि यही पास के ही नगर के बाहर एक साधु बाबा रहते हैं जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े के आता है। आप उनके पास जाइए, वह आपकी इस समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। अगली सुबह होते ही उसके पिता महेश्वर को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वह साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। महेश्वर और उसके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और फिर अपनी समस्या बताने शुरू की। महेश्वर के पिता ने कहा, महाराज, मेरा इकलौता बेटा महेश्वरी, अभी इसकी उम्र मात्र 3 साल की उम्र से पहले ही बुरा दिखने लगा है। उसके बाल झड़ने लगे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर 50-55 वर्ष के होने के बावजूद भी स्वस्थ, सुंदर और जवान दिखे, सब आपकी तारीफ करें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप बाकी लोगों से स्वस्थ और सुंदर दिखाई देंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। बाल सफेद पड़ने लगे हैं, त्वचा सूखी और झुर्रीदार हो गई है, आंखों के नीचे कालापन छा गया है। अपनी शारीरिक हालत की वजह से यह बहुत चिंतित और तनावग्रस्त रहने लगा है। हमने समस्या से छुटकारा पाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हमें कोई उचित समाधान नहीं मिला। आप ही कोई समाधान बताएं। साधु महाराज ने महेश्वर के पिता की सारी बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर का आयुर्वेद में इंसानी शरीर को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं उनमें से 10 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम्हारे बेटे ने सही से पालन किया तो सिर्फ कुछ हफ्तों या महीने भर में ही तुम्हें इसके चमत्कारी परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। पहला नियम, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहने के लिए तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है। और तुम चाहे कितना ही अच्छा भोजन कर लो, कितनी शारीरिक नियमों का पालन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बीमार है, तुम अंदर से खुश नहीं हो, चिंतित और तनावग्रस्त हो, तो तुम्हें कभी भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न है और इंद्रिय आश्वस्त हैं। अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव तुम्हारे हर एक अंग पर पड़ेगा। तुम्हारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तुम्हारी यौन शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी, तुम्हारी शोषण प्रक्रिया बिगड़ जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम बेवजह की चिंता, तनाव और परेशानियों में न फंसें। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानियां आती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत आचरण, अनुशासनहीनता और अनियंत्रित इंद्रियों का भोग। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए, नियमों का पालन करें और अपनी बेवजह की इच्छा और वासनाओं पर नियंत्रण रखें तो उसके जीवन की आधे से अधिक समस्याएं और चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। साधु महाराज ने महेश्वर और उसके पिता से कहा, दूसरा नियम, हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करें। आयुर्वेद में एक कहावत है, जो कम खाएगा लंबा खाएगा, यानी जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करता है लंबे समय तक जीता है। और इसका कारण यह है कि जब हम बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस निकालते हैं, इतने सारे भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त नहीं होते, जिससे वह भोजन पचने के बजाय पीठ में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और बहुत से पैदा करता है जो कि रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और तरह तरह की बीमारियों के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए भोजन चाहे कितना ही अच्छा, कितना ही हल्का क्यों ना हो, उसे हमेशा इच्छा मात्र से
थोड़ा कम ही खान चाहिए। तीसरा नियम, तुम्हें अपने सोने का, उठने का और भोजन करने का समय निश्चित रखना है। अक्सर लोग इन कामों पर ध्यान नहीं देते और किसी भी समय सोते, उठते और भोजन करते हैं, और उनकी इस गलती का उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच उठ जाना चाहिए। रोज एक ही समय पर सोने और उठने से शरीर की सारी कार्यप्रणाली सही तरीके से काम करती है, उन पर बेमतलब का बोझ नहीं पड़ता, जिससे शरीर के अंग लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। साथ ही इस अनुशासन का पालन करने से हमारा भोजन समय से पच जाता है और सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती, क्योंकि कब्ज में हमारा सर रहा भोजन आंतों में फंस जाता है, क्योंकि पेट के अंदर हवा और विषैले पदार्थ पैदा करता है, जो कि बहुत से शारीरिक बीमारियां पैदा करने के साथ साथ त्वचा को रूखा और झुर्रीदार बनाता है। इसीलिए एक अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करो और अपने सोने, उठने को, भोजन करने का समय निश्चित रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति के खाने का समय निश्चित नहीं, सोने का समय निश्चित नहीं, जो अस्त है, जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है, और जो हर समय चिंता और तनाव से भरे रहते हैं, वे बहुत ही जल्द बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन भी नहीं जी पाते। इसीलिए जीवन में अनुशासित बना और एक नियम का पालन करो। चौथा, ने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें व पीठ से भरकर गहरी सांस लेने की आदत डालो। हम कैसे बैठते, सोते, चलते और सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए सीधा बैठने की आदत डालो। सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, इससे हमारे शारीरिक अंगों पर बेवजह भार नहीं पड़ता और वह लंबी उम्र ठीक से काम करते रहते हैं। इसके साथ ही पेट से भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और युवा बनाए रखा है। पांचवा नियम, हर दिन 16 घंटे उपवास के नियम का पालन करो। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो। जैसे अगर आपने भोजन 8 बजे किया है तो अगली सुबह 12 बजे तक कुछ मत खाओ, और अगर रात को भोजन 7 बजे किया है तो सुबह 11 बजे तक कुछ भी भारी चीज मत खाओ। इस 16 घंटे के समय के दौरान तुम नारियल पानी या किसी सब्जी या फल का रस पी सकते हैं, लेकिन इस दौरान भोजन मत करो। सुबह का भोज 12 बजे और रात का भोजन 7 से 8 के बीच करो, ताकि तुम 16 घंटे उपवास के नियम का पालन कर सकूं। जो व्यक्ति 16 घंटे उपवास के नियम का पालन करता है, उसे कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति का चेहरा, चमकदार शरीर, निरोगी और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को लगता है कि कम खाना खाने और उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में 16 घंटे उपवास करने से हमारी आंतों में फंसा अधिक पर्चा भोजन अच्छे से पक जाता है। इस समय जब हम कुछ नहीं खा रहे होते तो हमारी प्राण शक्ति स्वतंत्र होती है, और वह इस समय का उपयोग शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने करती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में कोई गंदगी जमा नहीं है, उसका शरीर उम्र से ज्यादा जवान और स्वस्थ रहता है। छठवां नियम, भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने से 40 मिनट पहले पानी पीना सबसे उत्तम है। भोजन करने के दौरान अगर जरूरत महसूस हो तो थोड़ी बहुत पानी पिया जा सकता है, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद भोजन को पचाने के लिए पेट में अम्ल निकलता है, जिसे जठराग्नि भी कहते हैं। पर जब हम हो के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारी छात्रा अग्नि शांत हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से पचता नहीं और पेट में पर्दा पड़ा साधना शुरू कर देता है, जिससे विभिन्न प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियां जैसे कब्ज, गैस, खट्टी डकार आना इत्यादि होनी शुरू हो जाती है। और फिर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है, और फिर यह बीमारियां हमारे शरीर को उम्र से पहले ही बूढ़ा बनाना शुरू कर देती हैं। इसीलिए भोजन के तुरंत बाद पानी पीना छोड़ पानी, हमेशा भोजन करने के 1 घंटे बाद भी। सातवां नियम, ईश्वर पर भरोसा रखो। जो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते, वे जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, जिससे वह अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रख पाते। भगवान पर भरोसा रखकर काम करने वाले लोग कभी भी ज्यादा चिंता और तनाव में नहीं रहते।
क्योंकि वह अपने काम के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जिससे उनका ध्यान परिणाम की चिंता से हटकर अपने काम पर आ जाता है। और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करता है, वह उस काम में सफल जरूर होता है, और अगर किसी कारणवश वह सफल नहीं हुआ तो वह चिंता और निराशा के सागर में कभी नहीं रुकता और उसका स्वास्थ्य बर्बाद होने से बच जाता है। आठवां नियम, किसी प्रकार के नशे, धूम्रपान और मदिरापान से दूर रहो। नशा इंसान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। नशा और धूम्रपान करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से तो परेशान रहता ही है, साथ ही वह अपनी उम्र से बहुत पहले ही बूढ़ा और कमजोर दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए किसी प्रकार के नशे को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। नौवा नियम, पर्याप्त नींद नहीं लेने। लगातार कम नींद लेने या रात में देर से सोने से भी हमारे शारीरिक उम्र तेजी से बढ़ती है। कम सोने से चेहरे की चमक गायब हो जाती है और त्वचा पर झुर्रियां आने लगती हैं, जिससे व्यक्ति उम्र से पहले ही बुरा दिखने लगता है। दोपहर के खाने के बाद अगर 20 से 30 मिनट की एक छोटी सी नींद ले ली जाए तो यह भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। दसवां नियम, अगर खुद को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रखना है तो हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए योग, प्राणायाम या व्यायाम करना शुरू कर दो। यह सबसे कारगर और प्रचलित तरीका है खुद को जवान और स्वस्थ रखने का। इसके साथ ही रोज कम से कम 20 मिनट ध्यान का अभ्यास करो भी इंसान को प्रसन्न, तरोताजा और जवान बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। यह थे वह 10 नियम जिनका पूरी ईमानदारी से पालन करने के बाद महेश्वर के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने शुरू हो गए। महेश्वर और उसके पिता को उनकी समस्या का समाधान मिल चुका था। उन्होंने साधु महाराज का धन्यवाद किया और खुशी खुशी वहां से चले गए।